नमस्कार, बरेली लाइव के इस एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो एक आध्यात्मिक वीडियो है क्योंकि एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक आयोजन हो रहा है महानगर क्षेत्र में, श्री मंशापूर्ण ब्रह्मदेव शनि मंदिर में। यहाँ पर माँ बगलामुखी का महायज्ञ चल रहा है, तो आइए आपको दिखाते हैं इस महायज्ञ से जुड़ी में कैसे होता है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से ये यज्ञ होता है, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे इसी वीडियो में। ओम लिंग ब्रह्माष्टय विद्महेश मन माने धीमे तन्नो वर्ग प्रचोदयात लिंग ओम स्वाहा। ओम लिंग ब्रह्माष्टय विद्महेश मन माने धीमे तन्नो वर्ग प्रचोदयात लिंग ओम स्वाहा। ओम लिंग ब्रह्माष्टय विद्महेश मन माने धीमे तन्नो वर्ग प्रचोदयात लिंग ओम स्वाहा। ओम लिंग ब्रह्माष्टय विद्महेश मन माने धीमे तन्नो वर्ग प्रचोदयात लिंग ओम स्वाहा। ओम लिंग ब्रह्माष्टय विद्महेश स्वाहा। ओम लिंग ब्रह्माष्टय विद्महेश मन माने धीमे तन्नो वर्ग प्रचोदयात लिंग ओम स्वाहा। माने विद्महेश मन माने धीमे तन्नो वर्ग प्रचोदयात लिंग ओम स्वाहा। हमारे साथ पराशक्ति महापीठ के श्री संजय पंत जी हैं। गुरु जी, आइए इनसे चर्चा करते हैं कि माँ बगलामुखी जी का ये महायज्ञ इन्होंने किस उद्देश्य से कराया। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पहले तो हमें थोड़ा सा माँ बगलामुखी के विषय में बताइए कि ये यज्ञ क्यों कराया जाता है। आपने माँ बगलामुखी के बारे में पूछा है तो पहले मैं माँ बगलामुखी के बारे में बताऊं। आपने कई देवियों के नाम सुने होंगे, लेकिन जो 10 महाविद्याएं हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ भी हैं, और उसमें ये 8वीं महाविद्या, अष्टमी महाविद्या के रूप में इनको जाना जाता है। और जैसे 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, काली, तारा, षोड़शी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, फिर उसके बाद आती हैं 8वीं महाविद्या बगलामुखी, इसके बाद आती हैं मातंगी और उसके बाद आती हैं कमला। तो ये अष्टमी महाविद्या हैं। अष्टमी महाविद्या होने के साथ साथ ये ब्रह्मास्त्र विद्या कहलाती हैं, यानी कि समस्त ब्रह्मांड को स्तंभित करने की शक्ति, समस्त ब्रह्मांड को प्रभावित करने की शक्ति, नियंत्रित करने की शक्ति इनके पास है। तो इसीलिए ये अष्टमी महाविद्या के रूप में जानी जाती हैं। और जो इनका प्रभाव है, यही नहीं समस्त त्रैलोक्य में जबरदस्त रूप से इनका प्रभाव है। और वैशाख शुक्ल अष्टमी, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है, तो आज के दिन माँ की जयंती है और हम प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को करते हैं पराशक्ति महापीठ के तत्वावधान में। और ये मेरा 25वां महायज्ञ है, लगभग 25 सालों से। हाँ, 25 सालों से नहीं चल रहा है, ये 2014 से चल रहा है और मेरा 1008 यज्ञ करने का संकल्प है। और मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो यज्ञ हैं ये निरंतर होते रहें। क्यों होते रहें? क्योंकि देखिए, यज्ञ कार्य सबसे श्रेष्ठ कार्य है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। मनुष्य भंडारे करता है, नाना प्रकार के जप दान इत्यादि करता है, लेकिन यदि हम भगवान को डायरेक्ट भोजन देना चाहते हैं तो वो केवल यज्ञ के माध्यम से दिया जा सकता है, क्योंकि ये पंच तत्वात्मक शरीर है, पंच तत्वात्मक सृष्टि है। और इस सृष्टि में अगर डायरेक्ट उस ईश्वर को, जैसे भगवान है, भगवान तक पहुंचना है तो यज्ञ। अगर मैं आपको इसका विस्तार बताऊंगा तो भौ मीन्स भूमि, गौ मीन्स गगन, वो मीन्स वायु, और से अनिल और नौ से नल। तो ये जो पांचों चीज़ें मिल जाती हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, और यज्ञ में ये पांचों ही तत्व समाहित हो जाते हैं, इसलिए यज्ञ को सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा गया। और इसीलिए यज्ञ करने का मेरा रुझान है। मेडिकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद मुझे एक ईश्वरी प्रेरणा, गुरु प्रेरणा से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा। मेरा अपना उद्देश्य यह है कि हम घर घर में यज्ञ करें और लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप यज्ञ कीजिए और करवाइए। क्यों? यज्ञ के द्वारा आप हर चीज़ का समाधान ले सकते हैं। आज ये हमारा सौभाग्य भी है, और सौभाग्य से बड़ा दुर्भाग्य ये है
कि हम ऋषियों की धरती में पैदा हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, समस्त भारतवासियों का सौभाग्य है। लेकिन भारतवासियों का दुर्भाग्य ये है कि इस ऋषि की धरती में पैदा होने के पश्चात भी हम अपने उन सामाजिक और उन सांस्कृतिक मूल्यों को, उन प्राच्य विद्याओं को भूलते जा रहे हैं, उन धरोहरों को भूलते जा रहे हैं जिनको कि हमने संरक्षित करना चाहिए। और पराशक्ति, आपको मैं थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा कि ये यज्ञ और यज्ञों से कितने अलग। हाँ, देखिए आप जनरली आपने देखा होगा यज्ञ कुंड केवल चतुष्कोणी कुंड हो जी, चतुष्कोणी कुंड होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन कुंड बने हुए हैं, इनको ये त्रितत्वात्मक कुंड हैं। तो आप देख रहे हैं ये जैसे ट्रायंगल में बना हुआ है त्रिकोणी कुंड, इसको विजय कुंड कहा जाता है इसमें, और दूसरे रूप में ये अग्नि कुंड भी कहा जाता है। वात पित्त कफ तीन चीजें होती हैं, तो ये पित्त अग्नि तत्व से संबंधित है, ठीक है, और दूसरा ये रज तत्व से संबंधित है, तीन तत्वों के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आप आगे आते हैं, ये चतुष्कोणी कुंड है, ये शतोगुणी कुंड कहा जाता है, शतोगुणी, हाँ ठीक है। आप पेंट से अंदर इधर आइए, ये शतोगुणी कुंड कहा जाता है। शतोगुणी कुंड का अपना प्रभाव है, और इसमें जो भी आप कार्य करते हैं वो कार्य आपकी धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए ये कार्य किया जाता है, और कार्य आपको हाँ सिद्धि होती है, ठीक। इसके बाद ये आप गोलकुंड देख रहे होंगे, गोलकुंड आयुर्वेद के हिसाब से कफ को इंडिकेट करता है ये, और समस्त सृष्टि गोल है, और ये वायु तत्व को इंडिकेट करता है, जो गोल मोल चीजें जो चलती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए इस कुंड में आपको हवन करना चाहिए, नाड़ी में रक्त का प्रभाव गोली होता है। हाँ, और दूसरी चीज है कि शरीर में जो वायु इम्बैलेंस हो जाती है, तो अगर वायु को आपने नियंत्रित करना है तो उसके लिए आपने इस कुंड में यज्ञ करना चाहिए, और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये तीन तरीके के इसलिए तो होता तीन है, तरीके के हाँ वैसे कुंड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर तीन ही कुंड हमने बनाए हैं। इसका जो अगला यज्ञ हम करने वाले हैं तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि पंचकुंडी या नवकुंडी या अष्टकुंडी, जैसी भी भगवती की इच्छा होगी, आज्ञा होगी, तो उसके अनुरूप हम ये करेंगे।